बिहार के वो अपनी बात रखेंगे। मोमिन कम्युनिटी और टीम के द्वारा आयोजित इस सभा में उपस्थित सरकार के पूर्व मंत्री कारी साहब, एक्स कॉरपोरेटर हमारे बड़े भाई AICC से चल करके हमारे बीच हमारे साथ आए हुए इंजीनियर मोहम्मद असलम अलीक साहब, भाई नदीम शेख साहब, अफजाल खान साहब और इस अहमदाबाद की सरजमी पे मौजूद हमारे सभी नौजवान साथियों, भाइयों, बुजुर्गों, जिस तरीके से पिछले कई दिनों से हम सभी लोगों का इस गुजरात में आना हुआ है, मैं बिहार से ताल्लुक रखता हूं। हम लोगों ने सुना था कि गुजरात मॉडल की बात, तो बड़ी इच्छा थी, बड़ी ख्वाहिश थी कि एक बार हम गुजरात चल करके गुजरात मॉडल को देख लें। लेकिन गुजरात मॉडल को आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे पहले एक मिनट में मैं अपने बिहार मॉडल की बात कर देता हूं। हालांकि हम लोग ये मॉडल पे यकीन नहीं रखते हैं, हमारे भाई ने अभी जिक्र किया था, बस उस मॉडल में से मैं तीन चीजें आपको गिना देना चाहता हूं। पहला, जब भारतीय जनता पार्टी के सबसे सीनियर लीडर, अब तो पता नहीं किधर है, दिखते नहीं है, श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, जब उन्होंने पूरे देश भर में रैली निकाली, पूरे देश भर के लिए एक रथ निकाला था, उस वक्त सबसे पहले अगर उनके रथ को रोकने का काम किया, उनको आईना दिखाने का काम किया, तो वो बिहार की जनता ने किया था। यही हमारा बिहार मॉडल है। उसके बाद जब पूरे चुनाव की लहर चल रही थी 2015 विधानसभा चुनाव में, उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह हमारे बिहार चले गए। अब इत्तेफाक देखिए, हम बिहार वाले लोग हैं, हमारे यहाँ उनके साइज का कोई लिफ्ट ही नहीं था। ऐसा हुआ कि वो छठी मंजिल पर चढ़ गए, अब नीचे लिफ्ट में फंस गए वो। तो एक मॉडल हमारा वो भी था, काफी मीडिया में सुर्खियां बना कि गुजरात के अमित शाह जी आए हुए हैं, वो लिफ्ट में 45 मिनट तक फंसे रह गए, तब जाकर के लिफ्ट को काट करके उनको बाहर निकाला गया। यह हमारा बिहार मॉडल है। नहीं, हम तो इंसान हो ना, नहीं हम तो वैसा नहीं कर सकते, वो जैसा करते हम वैसा नहीं कर सकते, यही हमारी पहचान है। और जो तीसरा, हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जब पूरे देश में उन्होंने अपने लहर दिखाने की कोशिश की, तो 2015 में बिहार ने उनको अपना आईना दिखाया और मुंह तोड़ जवाब दे करके वहां से वापस भेज दिया और वहां से भाजपा का सुफरा साफ कर दिया। यह हमारा बिहार का मॉडल है। अब यह आपको तय करना होगा, यह अहमदाबाद की जनता तय करेगी, ये नौजवान तय करेंगे कि ये जो 22 साल पहले ये हुकूमत बनी, आज उस वक्त जो 10 साल का बच्चा रहा होगा, जो 10 साल का नौनिहाल रहा होगा, आज वो बताइए, आज वो 32 साल का नौजवान, वो जब बिहार में जाते हैं, वो जब पंजाब में जाते हैं, वो जब आंध्र प्रदेश में जाते हैं, वो कहते हैं कि हमने गुजरात के सभी नौजवानों को नौकरियां दे दिया। यहाँ पे इत्तेफाक से सभी नौजवान बैठे हुए हैं, मुझे बताइए आप लोगों को नौकरियां मिल गई क्या? आप लोगों को नौकरियां मिली, इसका मतलब यह साफ होता है कि जब वो गुजरात से बाहर जाते हैं, तो अब यहाँ की झूठी बात प्रचार कर करके, गुजरात मॉडल की बात कर करके वो वोट हासिल करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो गुजराती जो गुजरात का नहीं हो सकता है, वो पूरे देश के क्या हो सकेगा। इसलिए आप ये जान लीजिए, जब कांग्रेस पार्टी की लहर आ चुकी है आज के डेट में गुजरात में, हो सकता है कि कई साथी अहमदाबाद से बाहर गए होंगे, लेकिन अभी इस चुनाव के दौरान हम लोग कई विधानसभा क्षेत्रों में हमारा जाना हुआ, जहां भी हम लोग जा रहे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पाटीदार हो, चाहे दलित हो, हर समुदाय का व्यक्ति सिर्फ यही चाहता है कि हमें यह फर्जीवाड़ा की सरकार, हमें यह जुमलेबाज की सरकार, हमें यह सरकार नहीं चाहिए जो हिंदू मुसलमान को आपस में बांटने की बात करता हो, हमें वो सरकार नहीं चाहिए जो सिर्फ रोजगार के सपने दिखा करके उन्होंने
जब हमारी सरकार बनेगी हम 2 करोड़ सालाना लोगों को नौकरियां देंगे। ये उन्हीं का डाटा कह रहा है कि पिछले 3.5 साल की सरकार में नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ लोगों को भी नौकरी में नहीं दे पाए। 6 करोड़ तो वैसे ही इनके नौकरी अब तक मिल जाने चाहिए, इन्होंने सपना दिखाया था। जहां तक किसान के कर्ज की माफ है, मैं आपको बताना चाहूंगा भाइयों कि जितना पैसा इन्होंने अंबानी और अडानी को दिया है, अगर वो पैसा अगर सिर्फ गुजरात के किसानों को दे दिया जाता उसी से पूरा गुजरात विकास कर जाता। इनको गुजरात की जनता की फिक्र नहीं है, उनको अहमदाबाद की आवाम की फिक्र नहीं है, उनको सिर्फ इस बात की फिक्र है कि अंबानी और अडानी का पैसा किस तरीके से दुगुना हो चौगुना हो। इसका नतीजा आपने देखा होगा, अमित शाह का बेटा आज से 3 वर्ष पूर्व उनकी कंपनी 1000 करोड़ रुपए की भी नहीं थी और आज अमित शाह के बेटे का 16000 करोड़ रुपए से भी ऊपर का टर्नओवर है। आपने पतंजलि का नाम हो सकता है कि 3.5 साल पहले सुना होगा, लेकिन आप आज पूरे शहर में घूम जाइए और टीवी चैनल के जरा रिमोट को खोल डालिए, सुबह से लेकर शाम तक किसी भी चैनल पे कोई दिखाई दे कि नहीं दे, बाबा रामदेव आपको जरूर दिखाई दे देगा। एक तो वो कपड़े इतने कम पहनते हैं कि वहां पुरुष भी शर्मा जाते हैं, ये उनकी हालत है। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि यह जो सरकार है यह गुजरात के लोगों को दिग्भ्रमित कर करके, गुजरात के लोगों को मकर जाल में फंस करके यह चाहती है कि हम इस सरकार को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बुजुर्गों को इसी तरीके से सिर्फ खोखले वादों में करके रखे। आप यकीन मानिए जो 32 साल के आज नौजवान हो चुके हैं या उस आसपास के नौजवान हो चुके हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार जब गुजरात में बनेगी उन सारे नौजवानों को जिनको रोजगार नहीं मिलेगा उनको 4000 रुपए प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो कहता है। इतना ही नहीं, आप यहां छोटे छोटे कारोबारियों भी नजर आ रहे हैं, आप इनसे पूछिएगा कि जब ये बैंक का चक्कर लगाते हैं, जब इन्हें 2-4 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है, बैंक के चक्कर काटते काटते रह जाते हैं, इनको 5-10 लाख रुपए का कर्जा तक नहीं मिलता। लेकिन आज अंबानी और अडानी को विदेशों में पैसा लगाने के लिए 1000 करोड़ रुपए चंद मिनटों में दे दिए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार जो गुजरात में अब आने वाली है, यह सरकार याद लेकर के आ रही है कि सिंधी भाइयों को रोजगार करने के लिए, अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी तो 100% उनको लोन देगी, ये कांग्रेस की सरकार देगी। इतना ही नहीं, आप जरा उनसे पूछिए जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर आपके बीच आए, उनको जरा पूछिए कि गुजरात में आपने पिछले 22 वर्षों में जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरियां कर रहे हैं उनको आपने कितनी पक्की नौकरियां की है। आज गुजरात के अंदर 50% से ज्यादा सीट नौकरियों में खाली है, उनको नहीं भरी जा रही है। वो सिर्फ क्या करना चाहते हैं, जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है, जब इनके पास यह जवाब देने को नहीं है कि आपने देश की जनता को कहा था कि नोटबंदी से हम काला धन लाना चाहते हैं, जब उनको लगा कि यह नोटबंदी से कोई काला धन नहीं आ पाया, यह सिर्फ उनके काले धन को छुपाने का यह एक अच्छा सा मशवरा था उनका, यह अच्छा सा काम था, यह उनके हिसाब से क्या नोटबंदी के बाद अपने काला धन देश की जनता को दिया? उन्होंने चिल्ला चिल्ला करके वायदा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी कांग्रेस पार्टी के काले धन को ला करके देश के नागरिक के बीच में हम 15-15 लाख रुपए उनको बंटवारा करेंगे। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि आप छोड़ दीजिए पूरे देश के कांग्रेस के नेताओं को, आप हमारे कांग्रेस के नेता यहां कारी साहब मौजूद है, हमारे पूर्व मंत्री हैं हिम्मत भाई पटेल साहब अभी गए हैं,
आप जरा झांक करके देख लीजिए कि गुजरात में किसी कांग्रेसी के घर में काला धन है क्या? यह आपको देखना पड़ेगा। यह सब बरगलाने की बात है, यह सब लोगों को गुमराह करने की बात है। जब उनसे देश काला धन की बात करता है तो वह हिंदू मुसलमान की बात करता है। इस देश के मुसलमानों के ऊपर उंगली उठाने वालों, आपको पता होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस मुल्क की आजादी के वक्त में मुसलमानों ने जिस तरीके से खून बहाया था, जब मुसलमान और हिंदू मिलकर के इस मुल्क की आजादी के लिए खून बहा रहे थे, वही ये जनसंघी लोग अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे और उनकी मुखबरी कर रहे थे। यह है इनका मॉडल। इसलिए बार बार इशारा रहा, वक्त की कमी है, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे पास सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि हम समय पर वोट करने के लिए नहीं जाते हैं। हिम्मत सिंह पटेल साहब के बारे में जो जानकारी मिल रही है और जो जितने अच्छे व्यक्तित्व हैं, वो गंगा जमनी तहजीब के प्रतीक है, हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारगी के प्रतीक है हिम्मत सिंह पटेल। उनकी हिम्मत को आप कम मत होने देना। उनकी हिम्मत की अफजाई तभी होगी जब घर का एक एक व्यक्ति जो वोट का हकदार है वो वोट करने के लिए बूथ पर सबसे अग्रिम पंक्ति में जाकर के खड़ा होगा। मैं आप तमाम साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, हमारी माँ बहन जो भी घर में हमारी वोटर है, हम सब लोग समय होते ही शुरू सुबह में ही हम लोग जो समय होता है वोट का जाकर के हम लोग अपना वोट गिरावे। और ये भाजपा जो भी लोग आते हैं उनको आप आईना दिखाने की कोशिश करें, आप उनसे पूछें कि आपने 22 वर्षों में कितने लोगों को नौकरियां दिया, आपने 22 वर्षों में कितने लोगों को अंबानी और अडानी बनाया, आपने 22 वर्षों में कितनी महिलाओं की जासूसी करवाया है, ये हिसाब किताब जरा उनसे आप ले लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।